नमः शिवाय हर हर महादेव. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BHU पाठशाला. दिस इज श्रेया तिवारी. आज है CUET PG 2024 का फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम और हम खड़े हैं एक ऐसे ही एग्जाम सेंटर के बाहर, डॉक्टर घनश्याम सिंह PG कॉलेज. तो जो एस्पिरेंट है CUET PG के, वो आप देख सकते हैं ऑलरेडी एग्जाम देने के लिए जा चुके हैं अंदर. आज हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या जो CUET एंड PG का NTA ने सिलेबस बनाया था वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर पा रहा है स्टूडेंट्स का या फिर नहीं, और स्टूडेंट्स को क्या डिफिकल्टीज, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है. तो इससे रिलेटेड अब हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट की सीरीज आने वाली है. जो भी स्टूडेंट हैं जिन्हें कुछ भी सजेशन चाहिए वो हमारी वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, और अब डेली रिपोर्टिंग जो है वो हमारे ही चैनल पे आने वाली है. आज हमारे साथ ऐसे ही CUET PG के एस्पिरेंट्स हैं जो जस्ट एग्जाम दे के निकले हैं और आज फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम था PG का. तो आइए हम उनसे जानते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन लेवल जो NTA ने बताया था उसके हिसाब से आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी इस एग्जाम में. तो सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो? मैं ओम मिश्रा हूँ. मैं BHU से आया हूँ. बिल्कुल. पेपर बहुत सिंपल था. पेपर मतलब जैसा एक्सपेक्ट करके आया था पिछले 3 साल के पेपर के पैटर्न देख करके, बिल्कुल वैसा आया था. सिंपल कंसेप्चुअल चीज़ें थी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे बिल्कुल. तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ बहुत हाई जाएगा. कट ऑफ हाई जाएगा जैसा आप बता रहे हैं जाएगा. जी सर. सर, आप क्या रेट करना चाहेंगे CUET एग्जाम ने जो अभी कंडक्ट कराया है, ये आप लोगों का PG एग्जाम, उसके हिसाब से आउट ऑफ 10? रेटिंग में दो तरह से करना चाहूंगा. जैसे सर, एक तो अगर क्वेश्चन पेपर कैसा बना है फॉर जनरल ऑडियंस तो रेटिंग इज अराउंड 8.59. अगर दूसरा सवाल अगर देखे कैसा होना चाहिए टेक्निकली, ऐसा BHU के ऐसा मैं एग्जाम PIQs देखा हूँ ऐसे होते थे, उस टाइप से थोड़ा इजी पेपर था, तो मैं उस बेस पे 7 रेट दूंगा इसको. ओके. तो सर, जैसे कि आप खुद एक BHU के स्टूडेंट है, आपका PG में कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है? ये पूछना ही बात है. हाँ सर, BHU. ऑब्वियसली BHU होगी. हाँ सर, क्योंकि अभी मैंने का पेपर दिया है. जियोलॉजी के लिए BHU से बढ़िया यूनिवर्सिटी कोई है नहीं यहाँ पे. ग्रेट सर. सर, अभी मैंने बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया, उनका कहना है कि मैं अब DU जाना चाहता हूँ, JNU जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद जानना चाहती थी कि आपसे कि आपका क्या प्रेफरेंस है इस चीज़. देखिए, DU की जहाँ तक बात है, DU का फैकल्टी बहुत अच्छा है, इज नॉट बैड, इज जस्ट इक्वल टू BHU. उनके फील्ड वर्क ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं. BHU का थोड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो ये इवेंचुअली इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है किसको कहाँ जाना है. बहुत लोगों को BHU आना है, कोर सब्जेक्ट में घुसना है, बहुत लोगों को DU जाना है. थैंक यू सो मच सर. मैम, आपका नाम और आपके स्पोर्ट्स है? राजेश्वरी एंड कोर्स जियोलॉजी. मैम, आपको कैसा लगा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, लेवल? पेपर का लेवल और पैटर्न बहुत ही सिंपल था. जैसा हम लोग को लगा था कि पेपर हार्ड आएगा, पर पेपर बहुत सिंपल था. लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए थे, वो भी सिंपल ही थे. आज वाला भी पेपर बहुत सिंपल ही था, मतलब ओवरऑल अच्छा था पेपर. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ जो एस्पिरेंट है उन्हें हम कह सकते हैं कि वो टॉपर है, क्योंकि उनको ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी ईजी लगा है. तो मैम, आपका कोई सजेशन आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका नेक्स्ट एग्जाम है? उनको पढ़ना ही होगा, और क्या, पढ़ोगे तभी सही से रहेगा. मतलब ज़्यादा डीप नहीं पूछा था, बहुत ही सिंपल पेपर था. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. सर, आपका नाम और आप किस कोर्स से हैं? जी, मेरा विराज मंडल है नाम, और मेरा भी जियोलॉजी के. सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, वैसे पढ़ते तो हम BHU से आई हैं, लेकिन हम ओडिशा से. ओ ग्रेट सर, आप इतनी दूर से BHU में पढ़ने के लिए आए हैं, तो आपका भी कुछ सपना होगा BHU से लेके, और आपका खुद का एक करियर के लिए कुछ सोच होगा. तो सर, आगे जो आप PG के लिए एग्जाम दिए हैं, सर आपका प्रेफरेंस क्या है, लाइक अगर आप ऑलरेडी BHU में है तो? मेरा BHU है पहला. BHU? जी जी सर. सर, DU JNU? उसके बाद है, अगर BHU ना मिला तो फिर देखेंगे. ओके, अदर ऑप्शंस में वो है आपके पास. ओके, थैंक यू सो मच सर. और सर, आपका एग्जाम कैसा गया? आसान था. अब तो ये फैक्ट हो चुका है कि जो भी हमारे साथ इस टाइम है वो टॉपर्स ही है, और BHU के स्टूडेंट, BHU खुद एक ब्रांड यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के स्टूडेंट जो है आप देख सकते हैं कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं. एक्सक्यूज मी सर, आपका नाम और आप किस कोर्स से है? मेरा नाम सप्तर्षि रॉय है, और मैं भी जियोलॉजी से ही हूँ. जी सर. सर, आपका एग्जाम कैसा गया? एग्जाम तो वैसे अब पेपर अच्छा था तो एग्जाम अच्छा ही गया है. जी सर. पिछली बार जो पेपर आया था वो थोड़ा सा टफ था, मतलब सीनियर्स जो बोल रहे थे, तो उस हिसाब से तो इस बार बहुत अच्छा पेपर बना है. सर, आपको एग्जाम देने के टाइम कोई डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं. ओके, थैंक यू सर. आप, सर आप क्या रेट करना चाहेंगे CUET PG का जो एग्जाम पैटर्न बना था NTA के द्वारा उसको? एग्जाम पैटर्न जो पिछली बार से
25 क्वेश्चन जो पहले ए पार्ट और बी पार्ट में 75 क्वेश्चन, ए पार्ट को हटा दिया, ये वाला चीज़ मेरे हिसाब से अच्छा किया है, क्योंकि रैदर देन मतलब जनरल नॉलेज चाहिए, बट नॉर्मली जो लोग बीएससी पढ़ते हैं उनके पास जनरल नॉलेज इनफ होता है, रैदर देन यू शुड लुक एट जियोलॉजी में कितना नॉलेज है उसके ऊपर बेसिस करके। हाँ, दैट इज कोर सब्जेक्ट जो है। हाँ, कोर सब्जेक्ट जो है। थैंक यू सर। और बाकी रेटिंग के हिसाब से इस बार का पेपर मेरे लिए 10 out of 10। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।